Welcome on my YouTube channel guys. I hope you are all good. So if you want any kinds of support from my side like server administrator, VMware, storage, so you can call and mail me, and you can also comments on our videos. Contact details are below in description box. So let's start the video. Okay, तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं how to set server and computer hardware information. इसके नीचे आपको एक पिक्चर के नीचे एक पिक दिख रही है जिसमें होस्ट नेम, मेमोरी स्पेस, फ्री स्पेस मतलब हार्ड डिस्क का स्पेस, आईपी एड्रेस कैसे सेट करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, अपने सर्वर पे या अपने क्लाइंट के लैपटॉप कंप्यूटर्स पे। आपने बहुत जगह देखा होगा सर्वर के डैशबोर्ड पे या सर्वर के मेन स्क्रीन पे ये फंक्शन सेट होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी मेमोरी कितनी यूटिलाइज हो रही है, हमारा फ्री स्पेस कितना बचा है और हम कौन सा आईपी यूज करते हैं। तो हम इसको सेट करने के लिए हम क्या करना होगा और हम कैसे सेट करते हैं, बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और कैसे करना होता है। कोई कॉन्फ़िगरेशन होती है इंटरनल किसी भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। एक इसका सॉफ्टवेयर है छोटा सा जो माइक्रोसॉफ्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है और फ्री सॉफ्टवेयर है। हम उस पर उसके थ्रू हम इसको इंस्टॉल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 4 MB का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को सेट करने में काम आएगा। तो चलिए अपने प्रैक्टिकल की साइड तो देखते हैं कैसे हम करते हैं। ओके, तो ये जो दिख रहा है ना BGInfo के नाम से ये सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। तो हम इसको पहले तो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा, तो इसको डबल क्लिक करके अनजिप कर लेना या राइट क्लिक करके अनजिप कर लोगे तो ये दिख रहा है ना BGInfo करके, इसको हम रन करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आएगा रन का, तो हम इसको रन कर देंगे। रन करते ही देखिए ये हमने इसमें हम कलर भी सेट कर सकते हैं। इसको अगर हम फुल स्क्रीन करके देखें, ये देखो हम यहाँ पर जाएँगे ना, तो ये कलर है, हम किसी भी कलर से अपने स्क्रीन पे लगा सकते हैं। आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने होस्ट नेम अलग कलर से लगाया, मेमोरी अलग कलर से लगाई है, फ्री स्पेस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे जैसे हमको CPU ऐड करना है तो हम इसको यहाँ एंटर करेंगे। अगर हम इसको मिनिमाइज करके देखें तो यहाँ पे अभी हमारी स्क्रीन पे कोई भी डैशबोर्ड पे CPU का ऑप्शन नहीं है, तो हमको CPU ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बूट टाइम है, CPU है, डिफ़ॉल्ट गेटवे है, DSCP सर्वर है, DNS सर्वर है, फ्री स्पेस है, होस्ट नेम है, IP एड्रेस है, लॉगिन डोमेन है, लॉगिन सर्वर, मैक एड्रेस, मशीन। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, 2 चीज़ें ऐड करेंगे। CPU पे क्लिक करना है और नीचे नॉर्मली ऐड पे ऑप्शन है और ऐड कर देना है, और दूसरा हम करेंगे मैक एड्रेस अपना। ओके, मैक एड्रेस पर चेक करना है और इसको भी ऐड कर देना। तो ये ऐड हो गया। हम इसका कलर भी चेंज करते हैं पर्टिकुलर, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, मैक एड्रेस को यहाँ पे गए और हमने इसको कर दिया ब्लू कर दिया, ठीक है, तो ये ब्लू हो गया। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे पोजीशन है, ये डेस्कटॉप है, ये प्रीव्यू है कि कैसा दिखेगा, और यहाँ पे पोजीशन है। तो पोजीशन का मतलब हमें किस पोजीशन पर लगाना है। ये देखो हमें इस साइड टॉप कॉर्नर पे लगाना है, मतलब राइट हैंड साइड टॉप पे लगाना है, मिडिल में लगाना है। अगर हम देखो यहाँ से लगा के मिडिल में लगा के देखते हैं, ओके करते हैं, तो इसको एक सेकंड और अप्लाई करते हैं, मिडिल में लगा के हम करते हैं अप्लाई। ओके, तो ये देखो मिडिल में आ गया है ना। अभी हम इसको फिर से पोजीशन पे जाते हैं और इसको अगर नीचे वाली पे करते हैं, ओके करते हैं और अप्लाई करते हैं, तो ये देखो नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे अपनी पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे हमें रखना है। तो फिलहाल हमको टॉप पे रखना है, एंड ओके एंड अप्लाई। ओके, तो ये हम टॉप पे रखने वाले हैं और हम ये भी 2 चीज़ें इनको रिमूव करने वाले हैं, CPU, मैक एड्रेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, तो हम इसको इसको रिमूव कर देंगे। IP भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि IP में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो कितने सारे IP, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन चलाते हैं तो उस पर बहुत सारे सर्वर या मशीन है, तो सबके IP शो होते हैं, तो हम ये भी रिमूव करने वाले हैं और हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई में हमारा क्या हो गया, होस्ट नेम, मेमोरी एंड फ्री स्पेस, और कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, हमें जो सही लगेगा। सबनेट है, वॉल्यूम है, यूजर नेम हम ऐड कर सकते हैं, कोई यूजर नेम अगर हम यहाँ पे एंटर एंड यूजर नेम ऐड करते हैं तो अप्लाई तो हमारा यूजर नेम क्या है, कुलदीप दीक्षित, एंड ओके कर देंगे। तो आज के वीडियो में यही, ये सॉफ्टवेयर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे मिल जाएगा। फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई इसका ये नहीं है कि कोई कंपनी इसको कॉस्ट करेगी या कॉपीराइट से लग जाएगा, कोई कॉपीराइट्स नहीं है, फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री एंड कॉस्ट है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आप भी इम्प्लीमेंट करके देखिए। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आने वाले कोई नए वीडियो में, कोई नई ट्रिक लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।